दोस्तों आपको पता है कंप्यूटर नेटवर्क किसको कहते हैं? जिस तरीके से गांव और शहर एक दूसरे के साथ रोड के जरिए जुड़े होते हैं, ठीक उसी प्रकार से जो कंप्यूटर होते हैं एक दूसरे के साथ वायरलेस नेटवर्क से जुड़े होते हैं। तो ये जो वायरलेस से जो जुड़े होते हैं, जो जत्था गुत्था होता है, ठीक है, वो सिस्टम को बोलते हैं नेटवर्क। अब नेटवर्क जो है वो काफ़ी सारे के होते हैं, जैसे कि लैन नेटवर्क हुआ। लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि जो लोकल कंप्यूटर होता है उसको कनेक्ट करने के लिए बोलते हैं। वैन मतलब कि वाइड एरिया नेटवर्क, यानी कि बहुत सारे जो कंप्यूटर्स होते हैं उसको जोड़ने के लिए जो सिस्टम होती है वो उसको वैन बोलते हैं। और कभी कभी सुनने में आता है कि CAN, तो कैंपस एरिया नेटवर्क। सो एजुकेशनल सिस्टम में जो होती है बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन, उसमें कैंपस यानी कि एक दूसरे के कंप्यूटर को जोड़ने के लिए जो सिस्टम लगाई होती है उसको कैन बोलते हैं। तो आपको बताते हैं कि इस तरीके का जो कंप्यूटर एक दूसरे के साथ माहिती की आदान प्रदान किस तरीके से करते हैं, तो उसके लिए एक सर्वर रहता है। यानी कि सर्वर एक ऐसा जगह है कि जिसके जरिए आप असंख्य माहिती एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। जैसे कि कोई एक वेबसाइट हुई, फॉर एग्जाम्पल अमेजोन ले लो, तो अमेजोन वेबसाइट पर अगर मुझे कुछ प्रोडक्ट रखनी है तो वो प्रोडक्ट अगर किस जगह पर रखूँ ताकि दुनिया के साथ ही काफ़ी सारे लोग वहाँ पर आके उसको देख सके, तो वो जो रखने की जगह है उसको सर्वर बोलते हैं। तो इस तरीके से कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो पूरी की पूरी जो प्रणाली है एक दूसरे सभी प्रणाली का जो गत्था होता है उसको कंप्यूटर नेटवर्क बोलते हैं, जिसके जरिए हम असंख्य कंप्यूटरों को एक साथ जोड़ सकते हैं। दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट करके कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर बताएगा। थैंक यू वेरी मच।